खबर राजनंद गांव से है, जहां पर शहर व ग्रामीण इलाकों में बिना किसी उचित कारण के सुबह शाम रात में किसी भी समय घंटों भर के लिए विद्युत सप्लाई बंद कर दिया जाता है। मेंटेनेंस के नाम पर करोड़ों रुपए का बंदरबांट किया जा रहा है। अधिकारी बिजली सप्लाई व्यवस्था में कोई सुधार नहीं कर रहे हैं। डोंगरगढ़ क्षेत्र के किसान पिछले 2 सालों से स्थायी कनेक्शन के लिए भटक रहे हैं। टारगेट नहीं होने की बातों से किसानों को भटकाया जाता है। शहर व ग्रामीण अंचल में बिजली की अघोषित कटौती से आम जनता व किसान काफी परेशान है। परेशानी को देखते हुए जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे के प्रदेश महासचिव व प्रदेश कोर कमेटी सदस्य नवीन अग्रवाल के नेतृत्व में युवा कांग्रेस, युवा प्रदेश उपाध्यक्ष, जिला महासचिव, जिला महामंत्री, युवा सचिव ने कार्यपालन अभियंता ई के दफ्तर का घेराव किया। बताइए किस विषय पर आज विद्युत विभाग का घेराव किया गया है? आज जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ जे की बैनर तले आज हमारे द्वारा विद्युत विभाग का घेराव किया गया है। विद्युत विभाग द्वारा बिना किसी सूचना के और बिना किसी जानकारी के इन लोग कोई भी समय बिजली बंद कर देते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, गर्मी का समय चल रहा है। आम इंसान जब दोपहर के आराम करने जाता है या रात के सोने जाता है, तो इनके विभाग द्वारा बिजली बंद कर दिया जाता है, जिसकी ना कोई सूचना होती है ना कोई इन लोग बताते किसी को कुछ भी। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इनका फ़ोन, जब फ़ोन करो तो फ़ोन बंद रहता है, और कभी फ़ोन का चालू रहा और फ़ोन इन लोग रिसीव नहीं करते हैं। अगर धोखे दागे से फोन रिसीव भी कर लिए तो उनका वही एक्सक्यूज हमेशा तैयार रहता है। ये सब समस्या यहाँ पे लगातार बनी हुई है। आज आपको मैं मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँगा कि इन लोगों के द्वारा हर साल सरकार के द्वारा करोड़ों रुपये मेंटेनेंस नाम से आता है, लेकिन वो राशि कहाँ जाती है समझ में नहीं आता। लेकिन बिजली की समस्या दस की दस बनी हुई है। डोंगा क्षेत्र किसान भाई आज स्थायी कनेक्शन के लिए 2 साल से घूम रहे हैं, उनको स्थायी कनेक्शन नहीं मिला। ये सब तमाम समस्या यहाँ पे बनी हुई है, जिसको लेके हमने आज विद्युत विभाग का घेराव किया है और लगातार हमारा आंदोलन जारी रहेगा। जब तक विद्युत की समस्या दूर नहीं होगी, जब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदारी विद्युत विभाग की होगी, शासन प्रशासन। देखिए कि आप बिस्तर लेकर भी आए हुए थे, क्या कारण है? बिजली बंद रहता है, आम जनता के बिजली बंद रहता है, तो यहाँ पे 24 घंटा बिजली चालू रहता है, आप सभी को पता है, उन्हें एक्सेप्ट भी किया बात को। तो हम यहीं पे आज रहने के लिए आए हैं, लेकिन यहाँ पे रहने हमको नहीं दिए जा रहे हैं। बोल लो, इन लोगों कहना ये हो रहा है कि काम प्रभावित होगा, तो मैं इनको ये बोलना चाहता हूँ कि भाई काम आपका प्रभावित होगा। जब आम इंसान जब रात के आराम कर सोता है या सुबह आराम करता है, तो भी तो प्रभावित होता है ना, वो भी तो कुछ काम से आता है। यदि समय पर व्यवस्था ठीक नहीं किया गया तो क्या किया जाएगा? मैं इनको आज 30 मई तक का समय दिया है। 30 मई तक के समय के अंदर अगर इन लोग व्यवस्था को दुरुस्त नहीं करेंगे, तो इससे बड़ा आंदोलन हमारे माध्यम किया जाएगा, जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के बहत लेके जाएगा, जिसकी संपूर्ण जवाबदेही शासन प्रशासन की होगी, इनके विभाग की होगी। जी सर, बताइए आज किस विषय पर धरना प्रदर्शन हुआ और क्या मांग है? एक्चुअली में इनकी मांग थी कि सप्लाई जो है बार बार बंद हो रही है। एक्चुअली में विगत पिछले दिनों में कुछ हमारे मौसम की खराबी के कारण कुछ इंटरप्शन आए, बहुत ज़्यादा नहीं, थोड़ा बहुत इंटरप्शन। इसके अलावा हमने जो है डोंगरगढ़ की सप्लाई को दुरुस्त करने के लिए और भविष्य में लोड की समस्या ना रहे, उसके लिए हमने डोंगरगढ़ प्रॉपर टाउन में और अचोली में जो पावर ट्रांसफार्मर लगे उसकी क्षमता वृद्धि भी की है, तो वो क्षमता वृद्धि करने में थोड़ी बहुत सप्लाई जो है हमने मैनेज करने के लिए बंद कराई है। तो इसलिए जो है और जो है आने वाले बरसात के सीजन को देखते हुए हम मेंटेनेंस के लिए सप्लाई को बंद कर रहे हैं, जिसकी सूचना हम उपभोक्ताओं को मोबाइल के माध्यम से, व्हाट्सएप के माध्यम से जो हम प्रचार प्रसार करके दे रहे हैं। तो उनकी वही है कि ये बंद नहीं होना चाहिए। तो बंद जो है सिर्फ इसीलिए हुआ है कि मेंटेनेंस करना जरूरी था, बरसात आने वाली है, लेकिन अब हमारा मेंटेनेंस का कार्य लगभग पूर्ण हो चुका है, अब इस तरह की समस्या तो उनको नहीं होनी चाहिए। पर सर, एक बात देखा गया है कि मैसेज जो आता है वो एक समय पर आता है, लेकिन रोजाना जो लाइट बंद हो रहा है उसका क्या कारण है? नहीं, रोजाना तो वैसा तो कंप्लेन अभी मेरे पास नहीं है, मैंने अपने जेई साहब से भी पूछा है, मैं पूरा रजिस्टर मंगाया, क्योंकि आज की डेट पे जो कंटिन्यूएशन बंद होता है वो पूरा ऑनलाइन रहता है सिस्टम, कि हम उसको छुपा भी नहीं सकते कि वो बंद नहीं हो रही है करके। कुछ जगह हो सकती है कि कुछ सेक्शन भी हो चला गया होगा उसके कारण बंद हुई होगी, बाकी ऐसा नहीं है कि रोजाना बंद हो रही है। ठीक है। राजनंदगांव से गोवर्धन सिन्हा की रिपोर्ट, TV1 इंडिया न्यूज़।